स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू मर्ज टू शॉर्टेड एरेज। हमने शॉर्टिंग टेक्निक्स के बारे में स्टडी किया और ये देखा कि हम किस तरीके से एरे को शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट का मतलब अरेंजमेंट, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ क्वेश्चन इज दैट मेरे पास में दो एरे हैं और उन दोनों एरे को मुझे शॉर्टेड वे में मर्ज करना है, मिंगल अप करना है दोनों एरेज को। तो इसके लिए हमारे पास में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारे पास में हम दो एरे क्रिएट करेंगे। एक का नाम मैंने ए दिया, दूसरे का नेम मैंने बी दिया, और इन दोनों के साइज़ को मेंशन करेंगे। नाउ अब हमारा टास्क ये है कि इन एरे को मुझे कंबाइन करके एक सिंगल एरे बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास में एक एरे ए है और एक एरे मेरे पास में क्या है, बी है। तो इन दोनों को मुझे कॉम्बिनेशन करना है, और कॉम्बिनेशन इस तरीके से हो कि मेरे पास में जो एरे आए लास्ट में, जो सी एरे आएगी कॉम्बिनेशन को कंबाइन करने के बाद में, वो भी शॉर्टेड वे में होनी चाहिए। नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर इनपुट की बात करूं तो मेरे पास में एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। मेरे पास में एक एरे बी है जिसमें भी मेरे पास में कितने हैं, 5 एलिमेंट्स। अब देखिए, ये दोनों एरे पहले से ही शॉर्टेड हैं, पहले से ही अरेंज्ड हैं। यहाँ पर 3, 9, 10, 18, 23, यहाँ पे 5, 12, 15, 20, 21, 25। नाउ स्टूडेंट्स, जब मैं इनको कंबाइन करूँ तो ये भी शॉर्टेड वे में आनी चाहिए। जैसे ए का 3 पहले सेव हुआ, बाद में बी का 5 सेव हुआ। इट मींस मुझे ए और बी में कहीं ना कहीं कंपैरिजन परफॉर्म करना होगा। मेरे पास में अगर ए का पहला एलिमेंट बी से क्या है, ग्रेटर है, तो मैं उसे जो रिजल्टेंट एरे है उसमें सेव नहीं करूँगा। स्मॉलेस्ट है तो मैं उसमें सेव करूँगा। द मर्ज्ड एरे कंटेन ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ एरेज इन शॉर्टेड ऑर्डर। जो हमारी मर्ज्ड एरे हैं वो कंटेन करेगी दोनों एरे के एलिमेंट्स को, और वो भी शॉर्टेड वे में। स्टूडेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल, इनपुट में मेरे पास में एक एरे है, इसके 2 एलिमेंट्स को मैंने इनपुट किया। बी एरे है जिसके मैंने 3 एलिमेंट्स को इनपुट किया। इसके बाद में रिजल्टेंट एरे के मेरे पास में 5 एलिमेंट्स आएंगे और ये भी शॉर्टेड ऑर्डर में होंगे। पहले 1 और 4 का कंपैरिजन हुआ तो 1 सेव हो गया, इसके बाद 4 और 5 का कंपैरिजन हुआ तो 4 सेव हो गया। इस तरीके से एडजेसेंट एलिमेंट्स 1 by 1 बोथ द एरेज विल बी कंपेयर्ड। स्टूडेंट्स, अगर मैं पिक्टोरियल डायग्राम की बात करूँ, मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे पास में एक एरे ए है, बी है, ये इनके मैंने पोजीशंस स्पेसिफाई कर दी हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे पोजीशंस स्पेसिफाई कर दी हैं और इनको मुझे सी में सेव करना है। तो सबसे पहले 2 और 4 में कंपैरिजन हुआ। 2 क्या है, स्मॉलेस्ट है, ये यहाँ पे आके आपका सेव हो गया। नेक्स्ट 4 और 5 में कंपैरिजन हुआ, 4 स्मॉलेस्ट है, 4 सेकंड पोजीशन पे आ गया। इसके बाद में 5 और 6 में कंपैरिजन हुआ, 5 स्मॉलेस्ट है, 5 सेव हो गया। नाउ 6 और 10 में कंपैरिजन हुआ, 6 स्मॉलेस्ट है, 6 सेव हो गया। इसी तरीके से सब्सिक्वेंटली कंपैरिजन होता रहता है, और जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है वो रिजल्टेंट एरे में, मींस जो हमारी आउटपुट एरे है, सी एरे की बात करूं तो ये क्या है, मेरी रिजल्टेंट एरे है। इस एरे में आके सारे के सारे एलिमेंट्स आपके सेव होते रहते हैं। तो मेन यहाँ पे क्या है, हमारा लॉजिक है कि हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें। स्टूडेंट्स, अनदर डायग्राम हम देखते हैं। देखिए स्टेप 1, यहाँ पे जिगजैग ऑपरेशन परफॉर्म होगा।
वन, मेरे पास में एक एरे वन है, एक एरे टू है, यहाँ पे एलिमेंट सेव हैं, पहले वन एलिमेंट यहाँ पे सेव होगा, फिर कंपैरिजन परफॉर्म हुआ, टू सेव हुआ, फिर थ्री सेव हुआ, इनमें से यहाँ पे जिगजैग ऑपरेशन परफॉर्म होते रहते हैं, एरे वन का और एरे टू का कंपैरिजन लगातार चलता रहता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कंपैरिजन में कब तक परफॉर्म कर सकता हूँ, जब तक नंबर ऑफ एलिमेंट सेव होंगे दोनों एरेज में। सपोज़ मेरे पास में, जैसा कि इस डायग्राम में आपको शो किया गया है कि यहाँ पर तो मेरे पास में फाइव एलिमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास में थ्री एलिमेंट हैं। अब तीन एलिमेंट का तीन से तो कंपैरिजन हो सकता है, लास्ट में मेरे पास में दो एलिमेंट्स बचे, तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब मैं कंपैरिजन करूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, कंपैरिजन होगा। उसके बाद में जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उन सारे के सारे एलिमेंट्स को, जैसे लास्ट में मुझे इन दोनों एलिमेंट्स को यहाँ पे पुट करना होगा। नाउ स्टूडेंट, अब हम सी प्रोग्राम देखते हैं, दो एरे को मर्ज करने का। सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे यहाँ पे तीन लूप चलाने होंगे क्योंकि मेरे पास में तीन एरे हैं, एक ए है, बी है या सी है। एरे वन को मैंने डिक्लेयर किया, एरे टू को डिक्लेयर किया, एरे थ्री को डिक्लेयर किया। एरे वन में 50 एलिमेंट हैं, एरे टू में 50 एलिमेंट हैं, तो इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो एरे थर्ड में कितने 100 एलिमेंट आ जाएंगे। नाउ स्टूडेंट, लूप चलाने के लिए मैंने तीन वेरिएबल्स ले लिए आई जे के, एम और एन, ये दो वेरिएबल लिए हैं जो कि एरे के साइज़ को स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद में सबसे पहले मैं एरे वन के लिए एलिमेंट्स को एंटर करूँगा, मुझे सबसे पहले एरे के साइज़ को स्पेसिफाई करना होगा। एंटर साइज़ ऑफ एरे वन, एरे का साइज़ मैंने एंटर कर दिया कि मुझे यहाँ पे थ्री एलिमेंट एंटर करने हैं या फिर फाइव एलिमेंट एंटर करने हैं या फिर टेन एलिमेंट एंटर करने हैं। मैक्सिमम साइज़ कितना है इसका, 50 है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका मैक्सिमम साइज़ कितना है, 50 है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं इसमें एलिमेंट्स को एंटर करूँगा। यहाँ पे कंडीशन ये है कि जब आप एलिमेंट्स को एंटर करें तो एलिमेंट आपके शॉर्टेड होने चाहिए। शॉर्टेड का मतलब क्या है कि एलिमेंट्स यहाँ पे अरेंज्ड होने चाहिए। तो मैंने फॉर आई इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन एन, एम आई प्लस प्लस, स्कैन एफ परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ एरे ऑफ वन ऑफ आई। इट मीन्स यहाँ पे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, वन बाई वन आपके एलिमेंट्स यहाँ पे सेव हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इसी तरीके से मैं एरे टू के लिए एलिमेंट्स को सेव करूँगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर साइज़ को स्पेसिफाई करना होगा, मैंने यहाँ पे साइज़ को स्पेसिफाई किया। नाउ एरे टू में एलिमेंट्स को एंटर किया फॉर आई इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन एन, आई प्लस प्लस, स्कैन एफ परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ एरे ऑफ टू। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद में मैंने आई को ज़ीरो से इनिशियलाइज़ किया, जे को ज़ीरो से इनिशियलाइज़ किया। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा यहाँ पर आता है, क्या मेरे पास में एक एरे ये है और एक एरे ये है, इसमें मेरे पास में थ्री एलिमेंट्स हैं, इसमें मेरे पास में टू एलिमेंट्स, थ्री एलिमेंट्स हैं। जब तक एलिमेंट्स इक्वल हैं एरे में, मतलब एरे ए में भी तीन एलिमेंट होने चाहिए और एरे बी में भी तीन एलिमेंट होने चाहिए, या फिर एरे ए में फाइव एलिमेंट हैं, बी में भी फाइव एलिमेंट, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, तब हमारा ये वाला व्हाइल लूप वर्क करेगा, जब तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे। व्हाइल आई इक्वल, व्हाइल आई इज़ लेस देन एन, जे इज़ लेस देन, मतलब आई वेरिएबल जो है वो आपका एरे वन को दिखा रहा है उसका साइज़ कितना है एम, और जे वेरिएबल जो है वो एन को दिखा रहा है। तो इट मीन्स कि जब तक ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई रहेंगी तब तक ये लूप वर्क करेगा। वही हमने यहाँ पे लिखा, अगर एरे वन का एलिमेंट एरे टू से स्मॉलेस्ट है तो आप एरे वन के एलिमेंट को एरे थ्री में सेव कर दीजिए। ये पोजीशन दिखा रहे हैं आई जे और के।
मैंने आई प्लस प्लस कर दिया। इसका मतलब क्या है कि एरे वन का एलिमेंट सेव हो गया, अब कंट्रोल आगे जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास में ये एरे वन है, ये क्या है, आई पोजिशन है। अब मुझे इसके नेक्स्ट पोजीशन का कंपैरिजन करना है क्योंकि ये एलिमेंट स्मॉलेस्ट है, ये थर्ड एरे में जाके सेव हो चुका है। नाउ अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि एरे टू का एलिमेंट स्मॉलेस्ट है। अब मैं एरे टू के एलिमेंट को एरे थ्री में सेव कर दूंगा और जे प्लस प्लस कर दूंगा और उसके बाद मैं के प्लस प्लस कर दूंगा। देखिए यहाँ पर मेरे पास में तीन एरे हैं, ठीक है, आई जे और के। आई जो है एरे वन को शो कर रहा है, जे एरे टू को शो कर रहा है और के जो है वो एरे थ्री को शो कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद में जब कंडीशन वाइल लूप की फॉल्स हो जाएगी, मींस मेरे पास में एरे ए में फोर एलिमेंट्स हैं और एरे बी में थ्री एलिमेंट्स हैं, तो थ्री और थ्री एलिमेंट्स का तो कंपैरिजन हो जाएगा लेकिन एक एलिमेंट मेरा यहाँ पर मुझे मतलब अभी भी रिमेनिंग है। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स को सेव करने के लिए हमें एक अलग से कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन क्या होगी कि इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एम, अगर आई आपका साइज से ग्रेटर हो जाए या फिर इक्वल हो जाए तो जितनी भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं टू के वो आप थ्री में सेव कर देंगे। और इसी तरीके से अगर जे की वैल्यू एन से ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि एरे बी में एलिमेंट्स फिनिश हो चुके हैं, एरे वन में एलिमेंट्स बचे हुए हैं, तो इन सारे के सारे एलिमेंट्स को मैं एरे थ्री में सेव कर दूंगा। स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम यहाँ पर मर्जिंग परफॉर्म करते हैं। और मर्जिंग परफॉर्म करने के बाद में जितनी भी जो हमारी एरे हाई है उसको भी मुझे प्रिंट करना होगा, तो उसको प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पे एरे सी को प्रिंट करना है और एरे थ्री का जो साइज़ है या फिर एरे सी का जो साइज़ है वो ए प्लस बी के साइज़ के इक्वल है। इट मीन्स अगर मैं एरे वन की बात करूँ तो उसका साइज़ कितना है, एम है। एरे टू की बात करूँ तो इसका साइज़ कितना है, एन है। इट मीन्स एरे थ्री का जो साइज़ होगा वो एम प्लस एन होगा, वही हमने यहाँ पे शो किया है। फॉर आई इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन एम प्लस एन एंड आई प्लस प्लस। तो लास्ट में हम जो हमारी मर्ज्ड एरे आएगी उसको हम प्रिंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस लूप। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू मर्ज टू शर्टेड एरे इन ए सिंगल एरे। थैंक यू वेरी मच।